क्योंकि तू ही हो। दादी ने मुझे उस मंदिर वाली घटना के बारे में बताया। इसका मतलब दादी अब भी नाराज है उस बात से? अरे भाई देखिए हमारे होने वाली दुल्हन की मेहंदी कैसी लगी है। हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन। ये देखो, ए लिखा है ए। विधि विधान और संस्कारों के बारे में हुई गलतियां हम माफ नहीं कर पाते। अरे आयु, शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक मिनट रुक जाओ, तुम आसपास नहीं होते हो ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती। आओ बैठो मेरे साथ। हम आप जैसे बड़े लोगों को तो नहीं जानते, पर हाँ इतना जरूर जानते हैं कि संस्कार ही एक परिवार की असली जड़ होती है, और हमने अपनी काव्या को उन्हीं संस्कारों में पाला है। इसीलिए आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी काव्या आपको कभी निराश नहीं करेगी। समय बड़ा बलवान होता है, वो सब की परतें अपने आप खोल देता है। और अभी तो समय ऐसा कह रहा है कि बिटिया की मेहंदी है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जी चलते हैं। संस्कार की बातें करने चले हैं। संस्कारी लड़कियां इस तरह अमीर खानदान के लड़कों को अपने जाल में नहीं फंसाती। हे शिव शंभो, आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे करण की आंखें खुल जाएं और उसे काव्या का सच देख जाए। ये लो दी, हो गया डन। अब कैसी है? बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। अच्छी मेहंदी है। ऐसा लगता है करण सर का नाम तुम्हारे हथेली के लिए ही बना है। देखिए जरा हमारी बहू रानी की मेहंदी कैसी लगी है। नाइस, बख्शीश लेकर जाना। पर दीदी ये अच्छा था कि लोटा मैं भी काव्या के जैसे आयुष्मान का नाम अपने हथेली पे लिखवा लेती। क्या पता फिर मेरी और आयुष्मान की भी शादी पक्की हो जाए। हाय भाभी, दिखाओ जरा। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। भाभी वैसे आई एम सॉरी, ना मैं आपको करण भैया की फोटो में उलझा कर रखती और ना ये सब ड्रामा होता। आई एम सो सॉरी। अरे नहीं नहीं शिका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सच कहूं तो इसमें किसी की भी गलती नहीं, मुझे ही थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। ओह यू आर सो स्वीट भाभी। अब आप किसी को ढूंढ रही हो? हाँ आयुष्मान को। तुमने देखा क्या उसे? आयुष्मान कौन? अच्छा
जैसे काव्या की हथेली पे करण सर का नाम लिखा है वैसे ही मेरे हथेली पे भी लिख दो। मतलब करण सर का नाम लिख दो? अरे नहीं, सिर्फ ए लिखना है। हाय आयुष्मान, मैंने सोचा मैं भी अपने हाथों पे नाम लिखवा लूं। कैन यू गेस ए से किसका नाम हो सकता है? क्या फर्क पड़ता है ए से तो हजारों नाम। अरे गेस करो ना। अच्छा ठीक है, मैं पूरा नाम लिखवा कर आती हूँ, तुम कहीं मत जाना, हाँ यहीं पर रुको। सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? तुम देख कर चला करो ना। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। अच्छा सुनो, अभी ना आयुष्मान लिख दो। ये लीजिए आपका फोन। थैंक यू। आयुष्मान, आप ही हो ना आयुष्मान, काव्या भाभी के बचपन के दोस्त? हाय, आई एम इशिका, करण भैया की फेवरेट सिस्टर। हाय। आपने हाथ पे मेहंदी नहीं लग पाई? वो क्या है ना, मेहंदी का रंग मुझे पसंद है बट आई डोंट लाइक द स्मेल। सी यू अराउंड, बाय। आयुष्मान एक मिनट। अब क्या हुआ? देखो ना किसका नाम लिखवाया मैंने हाथों पे। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, बार बार मुझे क्यों दिखा रही? कोई भी नाम लिखवा लो ना, प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। पता नहीं इतना एटीट्यूड आता कहां से, नहीं देखना है तो मत देखो ना। मिटा दो ये नाम। बेबी जी माफ कीजिएगा पर पार्टी में कोई और पसंद आ गया है क्या? क्या हुआ, इतना क्या सोच रहे हैं आप? देखा ना पार्वती, भवानी जी ने किस तरह से हमसे बात की। हाँ लेकिन ये भी देखा कि दामाद जी ने कितनी अच्छी तरह से मामले को शांत कर दी। नहीं पार्वती जी, नहीं, इस घर में काव्या को बहुत संभल के रहना पड़ेगा, बहुत संभल के। माँ, पापा जी, आप दोनों यहाँ हो, मैं कब से आप लोगों को ढूंढ रही थी। क्या हुआ काव्या, ये देखो। अरे वाह। हाँ तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है ना? हाँ? अरे ये क्या, आपने तो आधी अधूरी मेहंदी लगाई, इस हाथ में क्यों नहीं लगाई? वो मैं लगा लूंगी, वैसे भी बेटा मैं इतनी सारी मेहंदी लगाकर क्या करूंगी, शगुन की लगा ली इतनी ही बस है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी अम्मा। बेटा सब अच्छा चल रहा है और आगे भी सब अच्छा ही होगा। क्यों क्यों, पापा जी जो है हा? अकेले क्या कर रहे हो? अरे तुमने कुछ खाया पिया कि नहीं? हाँ देखो अपना ध्यान रखा करो, वो क्या है ना काव्या तो पराई होने वाली है ना? ये क्या हो रहा है आयुष्मान, संभालो अपने आप को, किसी को यहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अरे अपनी नहीं तो काव्या की खुशी के बारे में सोचो। रहे थे, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अब चलो
यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। तो कैसा लगा मेरा आज का परफॉर्मेंस? बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब। बस अब हमें कैसे भी करके आयुष्मान के लव कन्फेशन वाला वीडियो करण के सामने लाना होगा। धैर्य रखो मेनका, धैर्य रखो। अभी ये तुमने आग लगाई है ना, उस आग में थोड़ा और घी डालना बाकी है, बस उसके बाद होगा असली धमाका। लौटा की बड़ी बहन, क्या प्लान था हमारा? यही कि आयुष्मान को इमोशनली तोड़ देना है, ताकि वो खुद ही उकल दे कि काव्या से कितना प्यार करता है। उसके इजहार वाला वीडियो हम करण को दिखा देंगे प्रूफ के लिए। सिंपल, वो शादी से बैकआउट कर जाएगा। आखिर करण जो राम ठहरा, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शातिर दिमाग। हाँ, ऑलवेज। हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, और मेरे प्यारे घर वालों, आज मेहंदी में इमोशंस और ड्रामा कुछ ज्यादा ही हो गया। बट डोंट वरी माय पीपल, क्योंकि कल की शाम को होस्ट करने जा रहा है आपका अपना रॉकी। और जहां होगा रॉकी वहां होगा एंडलेस फन। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं कल के धमाकेदार संगीत के लिए? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Sizzling hot. Yes. Hi, I'm Rocky. Naam to suna hi hoga. Ji bilkul, very common name. Never mind. Kal sangeet hai aur Rocky ko talash hai ek sizzling partner ki. So would you like to dance with me? Well, sorry. Wow, beautiful. It's like you. Okay, so kal kuch tadakta badakta sa pehna dance ke liye, huh? Of course. In your dreams. हाय, क्या तमाचा मारा इसने मुझे। सिज़लिंग हॉट। कभी कभी हम सबसे भी सुनने में गलती हो जाती है। गलती से इसने नहीं सुना होगा। अब के बजाय ए लिख दिया तो क्या अपशगुन होता है? करण सर, जैसे जैसे मैं आपको जानने लगी हूँ, वैसे वैसे मेरे दिल में आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। कैसे कैसे आप हर एक सिचुएशन को अपने ही अंदाज में इतनी आसानी से सुलझा देते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था, और ना ही पापा जी को, माँ को, यहाँ तक कि आयुष्मान को भी नहीं। लेकिन आपने आज मेहंदी में मुझे बचा ही ली। भगवान का आशीर्वाद हमें तुरंत नजर ना आए, पर भगवान के आशीर्वाद में विश्वास रखना चाहिए।
और तुमने जो मांगा है वो आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर मिलेगा। सर एक बहुत ही अच्छे और सच्चे जीवन साथी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमेशा हम दोनों की रक्षा करें, हमेशा हमेशा के लिए। मैं करण सर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें कभी खोना नहीं चाहती। आप हमारी रक्षा करेंगे ना? ज्यादा सोचकर कोई फायदा नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार जो समझ में आएगा वैसा करूंगा। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मेरे नसीब में जो था वो तो मुझे मिल गया। काव्या करण सर की हो गई है, मुझे ही अपने आप को संभालना होगा। जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना होगा और ये मेरे लिए जरूरी भी है। मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, वो मंगल पार्वती आंटी के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी काव्या के लिए। मैं काव्या की आदत था और अब तो करण सर को उसकी आदत बनना होगा। और जब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा तब तक काव्या कैसे आगे बढ़ेगी? और मैं तो हमेशा से चाहता था ना कि काव्या आगे बढ़े, जिंदगी में जीते, उसे वो सारी खुशियां मिले जो वो चाहती थी। क्योंकि जब वो खुश रहेगी अभी तो मैं खुश रहूंगा। यहां से डांस देख के या बैठ के देख लो, मेरे हिसाब से आगे से अच्छा लगेगा ना। आगे चले। हेलो टू ऑल माय ब्यूटीज एंड द बीस्ट। अरे वाह, सो हियर कम्स माय ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस भाभी। कर रहे हो पापा? अरे रुको, हम तुम्हारे बाप हैं, पहले हम बोले, समझे? अच्छा जी, तो सबसे पहले सारे लोग एक बात नोट कर लें कि इस प्रोग्राम में हमने कुछ बदलाव किया है। पहला परफॉर्मेंस उसका होगा जिन्होंने रिहर्सल ही नहीं किया। एनी गेसेस? सरप्राइज। अच्छा हम भी बता देते हैं, पहला परफॉर्मेंस होगा दुल्हा और दुल्हन का। नाउ दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया डैड। पाप किसका हूं मैं? चलिए करण भैया एंड काव्या भाभी, वैसे भी है शाम आप ही के नाम है। अरे मुझे डांस वांस का आता है, क्या कर रहे हो दोनों? नो 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 करण भैया, कोई बहाना नहीं चलेगा। डैड सही कह रहे हैं, शुरुआत तो आज आप ही से होगी। करण भैया, करण भैया कह रहे तो चलिए ना। मुझे डांस वांस नहीं आता, अगर मैं स्टेज पर आ गया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। रहने दो। आपको याद है
एक दिन आपने मेरी स्टेज पर मदद की थी, आज मेरी बारी। काव्या वो स्पीच थी, ये डांस है। फिर कहीं गिर कर गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे सबके सामने। रहने दो, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको मुझ पर गिरने नहीं दूंगी। अरे काव्या रहने दो, क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ बस जैसा मैं करूँ वैसा आप करते जाइए। तुम्हारे साथ तो डांस किया होगा ना? वाह, क्या डांस कर रहे हैं दोनों, एकदम तोता मिला के छोड़ी लग रही है। मेड फॉर ईच अदर। इस काव्या ने तो अभी से करण को नाच नचाना शुरू कर दिया, देख नहीं रहे? अच्छा है, अच्छा रहने दो, जितना मन से नाचेगी ना उतना ही दिमाग खराब होगा हमारे मजनूबिया का। तीर निशाने पे लगा है, घाव भी गहरा हो गया है। अरे आशिक महाराज को दर्द तो बड़ा होगा, तब अभी हम देते। आयुष्मान होता है और के फोर करण होता है। हमारा करण, करण प्रताप सिंह। काव्या की शादी करण से हो रही है, आयुष्मान से नहीं। ये देखो ए लिखा है, ए, ए फोर आयुष्मान। विवाह संपन्न हुआ।